जनपद रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, जहां के गौरीकुंड में विगत 3 से 4 अगस्त को हुए भूस्खलन हादसे में लापता चल रहे 20 लोगों की सर्च और खोजबीन में लगी रेस्क्यू टीमों को आज 7वें दिन बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज टीम को 2 व्यक्तियों के शव मिले हैं। इस घटना में 23 लोग लापता चल रहे थे, अभी तक 5 लोगों के शव मिल चुके हैं। हालांकि अभी 18 लोगों की खोजबीन लगातार जारी है, जिसमें हाइड्रा मशीन की भी मदद ली जा रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। शव जो है बरामद हुए हैं और जो है SDRF NDRF की कलेक्टिव टीम है, उनके एफर्ट से उनको बाहर निकाला गया। उनमें से एक व्यक्ति नेपाली मूल का है तथा दूसरा जो है लोकल रुद्रप्रयाग से ही है। और ये जो सर्च मिशन है फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है खराब मौसम के चलते। कल सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। जय ये जो आपदा हुई थी, इसमें हमारी SDRF स्थानीय पुलिस और YMAP के जवान आपदा बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इसी के तहत आज सुबह एक बॉडी मिली थी जिसकी शिनाख्त हो गई है और अभी अभी एक और बॉडी मिली है जिसकी शिनाख्ती कार्रवाई चल रही है।